आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल राम की बगिया। जो पौधा आप देखते हैं बेसिकली पौधा नहीं, ये एक वृक्ष के रूप में है और काफ़ी ऊंचा हो जाता है और ये ज़मीन में लगाने में ज़्यादा तरह से और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। लेकिन इस पौधे को आप गमले में भी लगा सकते हैं आसानी से। एक थोड़ा सा बड़ा पॉट लेंगे, हालांकि 10 इंची पॉट में भी ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन आप 10 12 या 14 इंच पॉट लेंगे तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी। उसकी बहुत ही हार्डी पौधा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये एक डिवाइन प्लांट है और इसका उल्लेख जो है हमारे ग्रंथों में भी किया गया है और कृष्ण जी को इसके पुष्प बहुत पसंद थे। ये एकमात्र एक ऐसा पौधा है जिसके फूल गिरने के बाद ही भगवान को अर्पण किए जाते हैं। ये सामान्यतः उनको 5-6 बजे खिलता है और 3-4 बजे के बाद इसके फ्लावर्स जो है वो पौधे से गिर जाते हैं और इसके पौधे के फूल का रंग जो है वाइट ही होता है और साथ में इसमें एक हल्का सा, ये देखिए यहाँ पर इसमें एक नारंगी कलर का इसका बेस होता है और जिससे रंग भी बनाए जाते हैं, यानी केसरिया रंग जो है वो आप इसी से देख सकते हैं और ये एक नेचुरल प्रकार का रंग होता है। दोस्तों ये पौधा बहुत औषधीय गुणों वाला है। इसकी औषधि की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो आप विकिपीडिया पे या आप किसी डॉक्टरी सलाह से ज़रूर लें, लेकिन इसमें ये जरूर है चमत्कारिक इसके गुण हैं और इसका उपयोग औषधि के रूप में घरों में प्रायः किया जाता है। कि इस पौधे को लगाएं कब, क्या कैसे काम करता है पौधा, ये बहुत हार्डी है। इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है। जब भी आप इसको लगाएं तो एक ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें आसानी से सेटल हो जाए, यानी कोशिश करें कि इसको मिट्टी का गमला दें। अगर आप इसको प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे और पानी ज़रा सा भी इसका मिसमैनेजमेंट हो गया तो पौधा डाईबैक या फंगस लग जाएगा और वो चल बसेगा। इसलिए इस पौधे को स्टार्टिंग में अगर आप 1-2 साल अच्छी तरह से चला लेंगे तो फिर आप पाएंगे कि इसमें कोई केयर नहीं करनी है, ये आसानी से ग्रो करता है और धीरे धीरे इसको प्रूनिंग करते रहिए, घना होता जाएगा। जादू नहीं है इसमें कोई, थोड़ी सी खाद भी इसको देनी होगी, खाद ज़्यादा नहीं लगती है। थोड़ा करें पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी फ्लावरिंग होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी हाँ 3 महीने से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। और कभी कभी जहाँ पर थोड़ा वेरिएशन है जाड़ों में या जाड़ों के आगे पीछे होता है वहाँ पर ये दिसंबर जनवरी में भी फ्लावरिंग करते हैं और कभी कभी इसमें हमने फरवरी में भी फ्लावर देखे हैं, लेकिन सामान्यतः इसका जो फ्लावरिंग टाइम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का है। और अगर आप डॉर्मेंसी पीरियड जानेंगे तो ये दिसंबर एंड से लेकर जनवरी फरवरी तक डॉर्मेंसी पीरियड रहेगा। हल्का और छोटा सा डॉर्मेंसी पीरियड है इसलिए इसको बहुत खतरा नहीं होता कि ये चला जाएगा, एक्सट्रीम जाड़े को भी बहुत आसानी से सहन कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप जाड़ों में इसमें पानी कम डालें तभी ये पौधा बढ़िया चलेगा। फरवरी में जब ये ग्रोइंग सीजन आता है, फरवरी से सितंबर तक ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, उस समय आप इसमें अच्छी खाद दे सकते हैं। तो आप ये समझ जरूर गए होंगे कि हमको कब खाद नहीं देनी, हमें जो है दिसंबर जनवरी में कोई खाद नहीं देनी है। दूसरे क्योंकि ये वृक्ष के रूप में धारण करता है और बढ़िया पौधा है, हार्डी पौधा है, तो इसको कुछ नहीं आप कोई खाद दें तो कुछ नहीं, बर्मी कंपोस्ट दें बढ़िया तरीके से और सीवीट और ऑर्गेनिक पोटास इतना सामान दे दें। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती खाद की, लेकिन अगर आप दे देंगे तो आपको जब फ्लावरिंग आएगी अक्टूबर में उस समय बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे और पौधा आपका ग्रोथ में रहेगा। वर्मी कंपोस्ट हम दे रहे हैं तो पोटास क्यों दे रहे हैं, सीविट क्यों दे रहे हैं? देखिए अगर वर्मी कंपोस्ट में जो एनपीके भी होता है, पोटास को थोड़ा ज़्यादा मात्रा चाहिए पौधों को, क्योंकि पोटास का काम बहुत सारा है इसमें। इसमें फलों और फूलों को बनने की प्रक्रिया से लेकर उन चीज़ों को, नाइट्रोजन और फास्फोरस को एक दूसरे जगह को पहुँचाने के काम में भी पोटास का रोल होता है। इसलिए पोटास ज़रूर आप डालें और ख़ासकर ज़मीन में इसका छिड़काव से बचें। कोशिश करें जितना भी आप मटेरियल दें खाने का उसको ज़मीन में भूमिगत गमले में दें, तब वो ज़्यादा प्रभावी होगा। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे आप छिड़काव कर सकते हैं, उससे बेहतर है कि आप भूमि में दे दें फरवरी मार्च में और अच्छी तरह से इसको पानी देते रहें, पानी का ध्यान रखें। इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए जब ये ग्रोइंग सीजन में रहता है, गर्मी में खासकर पानी बहुत चाहिए क्योंकि इसकी जड़ों का विकास होता है उस समय और जिस पौधे के जड़ों का विकास होता है वो पौधा बढ़िया चलता है। जैसे हमने इसको लगाया हुआ है, केवल छोटे से ये एक 10 इंची का पॉट है, इसमें लगाया हुआ है इसको 10 12 इंची में और देखिए कितना बड़ा वृक्ष के रूप में हो गया है और बढ़िया तरह से ये चल रहा है। ये खूब सारे फ्लावर लगे हैं और बढ़िया तरह चल रहा है। तो आप फरवरी में खाद दें और जब अक्टूबर नवम्बर आए
तो थोड़ा आप सितंबर में थोड़ा सा इसमें आप सीवीट और ऑर्गेनिक पोटास की मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि फ्लावरिंग का समय होता है और इसको थोड़ा सीवीट और पोटास ज़्यादा देने से ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। सेटिंग जिसमें बीज भी अच्छी तरह से बनेंगे, क्योंकि बीज बनेंगे तो आप इसको प्रोपोगेट भी आसानी से कर सकते हैं। फ्लावर अच्छा महकता, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है, तो अगर आप खुशबूदार फूल चाहिए तो आपको थोड़ा फीडिंग करना पड़ेगा। इसके केयर बारे में बात करें तो उसको अच्छी धूप चाहिए, अगर आप धूप नहीं देंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। तो धूप इसकी खाद है और मिट्टी साधारण हो, पानी निकल जाए जब बनाएं मिट्टी, तो आप इसमें 60% आप ले लें साधारण और 30% आप ले लें उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, और साथ में 10-15% आप मोरंग मिला दें जिससे पानी आसानी से निकल जाए। और जब पानी निकल जाएगा तो ये पौधा बढ़िया चलेगा। एक बार ये पौधा सेट हो गया यानी छोटे गमले में, उसके बाद आप इसको चाहे प्लास्टिक में लगाएं, चाहे बकेट में लगाएं, और चाहे किसी बोरे में लगाएं, ये बढ़िया चलेगा। एक पौधा वृक्ष के रूप में भागेगा और आपके यहाँ ये 1 साल 2 साल नहीं, ये 10 साल नहीं 50 साल और 100 साल तक भी चलने वाला पौधा है। तो आप इस पौधे की जो स्ट्रेंथ है, उसकी महिमा है, वो आप समझें, इतना हार्डी पौधा है। इसको धूप चाहिए, थोड़ी खाद चाहिए और आसानी से ये चलने वाला पौधा है। इसमें ज़्यादा सेवा नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, पर फ्लावरिंग का समय केवल 2-3 महीने रहता है, उस समय ही फ्लावरिंग देगा। उसके बाद हम इसको प्रोपोगेशन की बात करना चाहते हैं। प्रोपोगेशन के लिए इसके बीज बनते हैं, जब ये जो ये बन रहे हैं, देखिए आपने सीड पॉड इसमें बन गए हैं, ये देखिए ये है। जब ये सूख जाएगा, अभी जैसे अभी चल रहा है इसमें, अब अक्टूबर का चल रहा है, और इसके बाद जब इसके ये जो बीज हैं ये पक जाएंगे, तब हम इसको तोड़कर और इसको बो देंगे बरसात में, और बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। इस पौधे की पत्ती को, हालांकि इसको डाल से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन बीज से भी प्रोपेगेशन बहुत आसान है, कोई बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया नहीं, बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है। डाल से भी आप इसको प्रोपेगेट करके नंबर ऑफ प्लांट बना सकते हैं। इसके बहुत सारे औषधीय गुण के साथ साथ ये एक डिवाइन पौधा है, यानी इसका हमारे ग्रंथों में बड़ा उपयोग है, कृष्ण जी का पसंदीदा है। इसको पारिजात भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इसको हरसिंगारे बोलते हैं, तो इस तरह के तरह तरह नामों से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पौधा। हालांकि इसकी पत्ती बहुत रफ सी होती हैं, देखिए आप जब देखेंगे तो पत्तियां रफ सी होती हैं, बहुत चिकनी नहीं होती हैं और आगे से नुकीली होती हैं, ये इसमें देखेंगे आप, देखिए बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया तरह फ्लावरिंग कर रहा है और गमले में लगा हुआ है। तो अगर आप गमले में चाहते हैं अच्छी फ्लावरिंग, तो आप इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें। कोई किसी प्रकार के केमिकल खाद की ज़रूरत इसको नहीं है, लेकिन आप देना चाहते हैं 0.34 इसको दिया जा सकता है। इसमें देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, वो है सीविट और ये है पोटास। बस इतनी सी मात्रा आप इसको 2 बार दे दें साल में, आप देखिए ढेरों ढेरों फूल इसमें पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया, जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।